हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू HTML प्रोग्रामिंग क्लास। आज मैं आपको दो और नए टैग सिखाने जा रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ OL टैग, सेकेंड वन इज़ UL टैग। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स वेब पेज में हमें कई बार एक लिस्ट बनानी पड़ती है। लेट्स से किसी भी चीज़ की लिस्ट हो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, एनीथिंग। तो ऐसी लिस्ट बनाने के लिए हम OL टैग यूज़ करते हैं। और OL टैग और UL टैग में बेसिक डिफरेंस ये है कि OL टैग में नंबरिंग आ जाती है एंड UL टैग इज़ विदाउट एनी नंबर्स। सो लेट अस बिगिन विद द प्रोग्राम HTML। पहला टैग HTML, देन द सेकेंड टैग इज हेड टैग। हेड सेक्शन स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको पता है हमारे पास टाइटल टैग रहता है और इसमें हम लिखेंगे दिस इज़ माय वेब पेज। यू कैन राइट योर नेम आल्सो, आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। यू सी प्रोग्रामिंग इज दैट्स व्हाई वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। जैसा चाहे आप वैसा इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। देन इज़ बॉडी टैग। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे सकती हूँ, H1 टैग। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनाने जा रही हूँ। सो आई एम राइटिंग H1 टैग, हेडिंग वन क्लोज्ड, एंड नाउ आई विल बिगिन माय ऑर्डर लिस्ट टैग। OL टैग से स्टार्ट करते हैं। वी राइट OL। अब OL में एक और छोटा सा टैग लगेगा एंड दैट इज LI। नाउ आई विल राइट हियर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट विल बी राइटिंग इंग्लिश, देन LI टैग क्लोज्ड, देन LI, लेट्स से पंजाबी, देन LI टैग अगेन क्लोज्ड। LI मीन्स लिस्ट आइटम्स। ऑर्डर लिस्ट में किस तरह की लिस्ट आइटम्स रहेंगी यहाँ पे वो मेंशन करनी है हमने। LI, देन यू कैन राइट हिंदी अगेन, LI क्लोज्ड। फिर आप दूसरा लिख सकते हैं मैथमेटिक्स, then you can write science, और लास्ट में एक सब्जेक्ट दे देते हैं सोशल साइंस। अब यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे बॉडी टैग को एंड इन द एंड आई विल बी क्लोजिंग द HTML टैग। प्रोग्राम हो गया है टाइप। नाउ इट्स टाइम टू सेव द प्रोग्राम। प्रेस कंट्रोल प्लस एस बटन। यहाँ पर प्रोग्राम का नाम मेंशन कर दीजिए, लेट्स से H9। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं H9। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड द एक्सटेंशन .html। क्लिक ऑन सेव। सो दिस इज़ माई प्रोग्राम, सेव हो गया है। Now it's time to look for the output. Again I will tell you, आप कोई भी वेब ब्राउज़र देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, विच एवर इज़ अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। यहाँ पर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मैं यूज़ कर रही हूँ मोज़िला फायरफॉक्स। क्लिक ऑन फाइल, देन आई विल क्लिक ऑन ओपन फाइल। यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम का नाम याद रखना है, इट्स H9, देन क्लिक ऑन ओपन। और ये रहा हमारा प्रोग्राम। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट द आउटपुट इज़ क्लियर टू यू। ये देखिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, हेडिंग टैग वन में आया था, सो बहुत बड़े फॉन्ट में लिखा आ रहा है। देन हमारा इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, 6 आइटम्स हैं हमारी लिस्ट में। और यहाँ पे मैंने कोई अपने आप से नंबर नहीं दिया, इट्स ऑटोमेटिकली गिविंग इट्स नंबर्स। तो
तो ये फ़ायदा है ओएल टैग यूज़ करने का। जो लिस्ट है बिल्कुल अपने आप ऑर्डर में बन जाती है। 20 आइटम्स लिख दोगे तो 20 आ जाएगा, जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आता जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और चेंज करने वाली हूँ। व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हमने इसी प्रोग्राम में चेंज कर देना है, ओएल की जगह यूएल मेंशन कर देंगे और यहाँ पर आप यूएल टैग को क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, इसको कर दीजिए कंट्रोल एस, प्रेस कर दीजिए एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पर जाके सिंपली मैंने रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है, रिफ्रेश किया और ये देखिए ओएल टैग चेंज हो गई है यूएल टैग में। पहले आ रहे थे नंबर्स, नाउ वी आर हैविंग सिंपली द बुलेट पॉइंट्स और ये रहा आपका आउटपुट। अब आपने क्या करना है, नोट डाउन द प्रोग्राम एंड एज वेल एज द आउटपुट, और दोनों प्रोग्राम्स आपने नोट कर लेने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।